न्यूज एक्सप्रेस के इंदौर के संपादक मंजूर बेग साहब ने की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील, कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को इबादत के लिए खोला, जिससे मध्य प्रदेश से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघरों से में दुआ करें और मध्य प्रदेश से कोरोना को भगाया जा सके। संपादक मंजूर बेग, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। पूरे हिंदुस्तान भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश भी हॉटस्पॉट बना हुआ है जिसमें कोरोना के मरीज लगातार बड़ी तेजी से निकल आ रहे हैं। शासन ने धार्मिक स्थलों को बंद किया हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और इंदौर से मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी से अनुरोध करूंगा और निवेदन करूंगा कि परदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना का प्रकोप पांव पसार चुका है। पूरे देश में कोरोना की लहर काफ़ी तादाद में ऊपर आ रही है, मरीज भी काफ़ी निकल रहा है। आज एक आदमी अपने धार्मिक या अपन जिस धार्मिक को पसंद करता है उसके माध्यम से वो पूजा पाठ करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के धार्मिक स्थान को खोलने की अनुमति शासन को तुरंत देना चाहिए। क्यों? वहीं से आदमी दुआ करेगा, वहीं से हवन करेगा, वहीं से पूजा करेगा, वहीं से पाठ करेगा, तो दुआ करेगा तो जल्दी से जल्दी कोरोना इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश से ख़त्म होगा। मेरे को उम्मीद है कि जो धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार कैबिनेट मंत्री की बैठक कर विचार करें, पुनः विचार करने पर मेरे को पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश और इंदौर में जो धार्मिक स्थान बंद है वो जल्दी से जल्दी खुलेंगे। मैं मंजूर बेग।